उगते सूर्य को अर्घ देने की रीति तो कई व्रतों और त्योहारों में है, लेकिन डूबते सूर्य को अर्घ देने की परंपरा आम तौर पर केवल छठ व्रत में है। धर्म के साथ साथ विज्ञान से भी जुड़ा है छठ व्रत और पूजा का रिश्ता। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी को क्यों देते हैं ढलते सूर्य को अर्घ? सुबह, दोपहर और शाम तीन समय सूर्य देव विशेष रूप से प्रभावी होते हैं। सुबह के वक्त सूर्य की आराधना से सेहत बेहतर होती है। दोपहर में सूर्य की आराधना से नाम और यश बढ़ता है। शाम के समय सूर्य अपनी दूसरी पत्नी प्रत्युषा के साथ रहते हैं, इसलिए प्रत्युषा को अर्घ देना तुरंत लाभ देता है। जो डूबते सूर्य की उपासना करते हैं वो उगते सूर्य की उपासना भी जरूर करें। ज्योतिष के जानकारों की माने तो अस्त होते सूर्य को अर्घ देने की परंपरा इंसानी जिंदगी हर तरह की परेशानी दूर करने की शक्ति रखती है। फिर समस्या सेहत से जुड़ी हो या निजी जिंदगी से, तो आइए देखते हैं कि ढलते सूर्य को अर्घ देकर आप कौन कौन सी मुसीबतों से छुटकारा पा सकते हैं। किन लोगों को अस्त होते सूर्य को जरूर अर्घ देना चाहिए? जो लोग बिना कारण मुकदमे में फंस गए हों, जिन लोगों का कोई काम सरकारी विभाग में अटका हो, जिन लोगों की आंखों की रोशनी घट रही हो, जिन लोगों को पेट की समस्या लगातार बनी रहती हो, जो विद्यार्थी बार बार परीक्षा में असफल हो रहे हो। समापन के दिन छठ का पावन व्रत और भी प्रभावशाली हो जाता है जब श्रद्धा और भक्ति से ओत प्रोत व्रती उगते सूर्य को जल देते हैं। मान्यता है कि छठ व्रत की सुबह सूर्य को अर्घ देने से मन की हर मनोकामना पूरी होती है। छठ के अंतिम दिन का क्यों है इतना महत्व? यह अर्घ सूर्य की पत्नी उषा को दिया जाता है। यह अर्घ देने के साथ ही छठ पर्व का समापन हो जाता है। इस अर्घ के बाद महिलाएं जल पीकर और प्रसाद खाकर व्रत खोलती हैं। छठ का केवल अंतिम अर्घ देने से भी पूरी होती है मनोकामना। चार दिनों का होता है छठ पर्व और हर दिन का अपना अलग महत्व है, लेकिन सबसे ज्यादा मायने रखता है छठ व्रत का समापन। इस खास दिन पर क्या खास नियम और सावधानियां बरतें जिससे आपका ये व्रत और भी लाभकारी हो सके? छठ व्रत के समापन के नियम और सावधानियां क्या हैं? व्रत के समापन के तुरंत बाद अनाज और भारी खाना न खाएं। अंतिम अर्घ के बाद सभी लोगों में प्रसाद जरूर बांटें। नदी के जल को गंदा न करें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। छठ का पर्व सबके लिए कल्याणकारी है, लेकिन हर किसी के लिए ये व्रत रखना मुमकिन नहीं हो पाता। लेकिन कुछ ऐसे उपाय हैं जिनके जरिए आप बिना व्रत रखे ही पा सकते हैं छठ व्रत का पूरा लाभ। बिना व्रत रखे कैसे पाएं सूर्य की विशेष कृपा? छठ पर्व के दौरान चारों दिन पूरी सफाई और सात्विकता बरतें। किसी छठ व्रतधारी की सेवा और सहायता करें। गुड़ और आटे की विशेष मिठाइयां यानी कि ठेकुआ जरूर बनाएं, फिर इसे गरीबों और बच्चों में बांटें। छठ के दोनों ही अर्घ जरूर दें और सूर्य देव की कृपा की प्रार्थना करें। छठ का व्रत रखने वाले लोगों के चरण छूकर आशीर्वाद लें। ज्योतिष के जानकारों की माने तो अगर सही नियम और सच्ची श्रद्धा से कार्तिक की छठ का व्रत रखा जाए तो परिणाम और भी चमत्कारी आते हैं। धन, ऐश्वर्य और आरोग्य बरसाने वाला है छठ का ये महाकल्याणकारी व्रत। तो आप भी छठ पर्व पर सूर्य देव का आशीर्वाद जरूर लें, आपकी किस्मत भी सवर जाएगी। ज्योतिष की जानकारों की माने तो छठ के अंतिम दिन का अर्घ आपके अलग अलग समस्याओं के समाधान के लिए सबसे उत्तम है। इस दिन हर समस्या के समाधान के लिए सूर्य को अलग अलग तरीकों से अर्घ देने का नियम है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।